समर्थन में आज बीजेपी के जिला कार्यालय में ओबीसी जिला मोर्चा की जिला इकाई की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रवीण प्रजापति व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर सहित पूरे जिला इकाई के पदाधिकारियों ने शिरकत की। पत्रकार से बात करते हुए ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रवीण प्रजापति ने कहा कि इस मीटिंग का उद्देश्य सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और ओबीसी वर्ग के लिए बनी सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचाना है, ताकि उन योजनाओं का अच्छे से लाभ लिया जा सके। पत्रकार से बात करते हुए गुर्जर ने कहा कि समय समय पर पार्टी के संगठनकर्ता अग्रसर करने के लिए और पार्टी के रूपरेखा बनने के लिए इस तरह की मीटिंग बुलाई जाती है, ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके। ओबीसी मोर्चा का उद्देश्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए चलाई गई योजनाओं को ओबीसी वर्ग तक पहुँचाना, ताकि वह इन योजनाओं का लाभ ले सके। पत्रकारों ने कहा, सांसद नायब सैनी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आए थे और कुछ किसान उनसे मिलना चाहते थे, परंतु पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके कारण उनको किसानों का विरोध झेलना पड़ा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि कल नायब सैनी कैथल में बजट के ऊपर चर्चा करने और अलग अलग मंडलों से, वर्गों से, लोगों से मिलने के लिए आए थे। वह सबसे मिले, लेकिन किसानों ने सिर्फ विरोध किया और उनकी गाड़ी का घेराव कर लिया। आंदोलन करना सभी का अधिकार है, परंतु शांतिपूर्ण तरीके से। धक्का मुक्की करना, हिंसा करना, यह गैर कानूनी है। जिला अध्यक्ष ने कहा, आज किसान आंदोलन में मुद्दे की कोई बात नहीं करता, बल्कि राजनीति की बात ही होती है, क्योंकि यह आंदोलन कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है। किसानों को कृषि कानूनों के बारे में कोई आशंका है तो सुझाव दे सकते हैं। आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन थप्पड़ मुक्के मारना गैर कानूनी है और हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को 3 कृषि कानून समझ आ गए हैं और यह कानून उनकी आर्थिक आजादी और विकास के लिए है। देखिए, कल कुरुक्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय नायब सिंह सैनी जी बजट के विषय पर यहाँ पर प्रेस वार्ता करने के लिए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे थे और बहुत से अन्य लोग भी उनसे मिलने के लिए आए थे और सभी लोग मिले भी हैं। उन्होंने अपनी वार्ता यहाँ पर की, प्रेस वार्ता यहाँ पर की और अन्य लोगों से भी, वो 4-4, 5-5 लोगों का एक डेलीगेशन था, समाज के सभी अन्य वर्गों का था, तो उनसे वो मिले भी हैं। उनसे उनके कोई काम थे वो भी उन्होंने फ़ोन के माध्यम से उनको फ़ोन कॉल्स किए हैं प्रशासनिक अधिकारियों को। लेकिन जो भी व्यक्ति मिलने के लिए आया था, किसी को रोका नहीं गया। लेकिन जैसे ही बाहर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके कुछ यहाँ पर कुछ लोग थे, वो विरोध करने के लिए आए थे, वो मिलने के लिए नहीं आए थे। और आपने देखा भी होगा, वो केवल 10 से 12 लोग थे और उस आप लोगों ने, आप मीडिया के साथी भी वहाँ पर थे कि हम संसद का घेराव करेंगे, उनकी गाड़ी को रोकेंगे और उनके साथ धक्का मुक्की करने की उनकी योजना थी। और आपने देखा भी होगा कि वो मिलने के लिए नहीं आए थे, उनके हाथों में काले झंडे भी नहीं थे, उनके हाथों में काले लिफाफे थे। इसका मतलब क्या था कि जैसे उनको सांसद जी का पता चला, वो तुरंत आ गए और उनके हाथों में काले झंडे भी नहीं थे, तो उन्होंने मार्केट से जाकर के काले लिफाफे लिए, उनको लहराया गया और उनकी गाड़ी के आगे आए। ठीक है, अगर उनको कोई विरोध प्रदर्शन अगर कोई उनको करना है तो वो साइड में खड़े होकर के करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गाड़ी को रोकना और जनप्रतिनिधि के काम में बाधा डालना, ये एक गैरकानूनी कार्य है। जो मैं सभी मेरे किसान भाइयों से, वो भी हमारे ही भाई हैं, किसान भाइयों से एक निवेदन भी करता हूँ कि अगर उनके मन में इन 3 कृषि कानूनों के प्रति कोई विरोधाभास है या कोई बात उनके समझ में नहीं आई है और उनके मन में यह है कि वो कोई अच्छा सुझाव देना चाहते हैं, तो सरकार ये कहती है कि उनका सुझाव लेने के लिए तैयार है, उस सुझाव को मानने के लिए तैयार है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो स्वयं कहा है कि मैं किसानों से केवल एक कॉल की दूरी पर हूँ। लेकिन जिस प्रकार से आज आप देखते हो कि किसान आंदोलन में आज वहाँ पर ना खेती की बात होती है, ना किसानी की बात होती है, ना MSP की बात होती है, ना फसल की बात होती है, आज ये किसान आंदोलन कांग्रेसी नेताओं के हाथों में हाईजैक हो चुका है। आज वहाँ पर केवल और केवल वहाँ पर राजनीति हो रही है। और अगर किसानों के मन में
किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात है जो इन तीन कृषि कानूनों के बारे में उनके मन में अच्छा सुझाव है, उसको मानने के लिए सरकार तैयार भी है। लेकिन मेरा ये कहना है, किसान भाइयों से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, अगर वो फिर भी प्रदर्शन करना चाहते हैं वो साइड में खड़े होकर के प्रदर्शन करें, प्रदर्शन करने का उनका अधिकार है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि की गाड़ी को रोकना, उसके ऊपर मुक्के मारना, उसके ऊपर उनके शीशों के ऊपर मुक्के मारना, ये बिल्कुल गलत काम है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। बीजेपी एक बहुत बड़ा संगठन है, काफ़ी कार्यकर्ता हैं, आपकी इकाइयाँ काफ़ी हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर ये इकाइयाँ जन जन में जाकर इस कानून को समझाए तो लोगों को समझ में आ जाएगा? देखिए, कानून आज किसानों को समझ में आ चुका है और किसान इस कानून के बारे में समझ भी चुके हैं। ये कानून किसानों के हित के लिए है, उनकी आर्थिक आज़ादी के लिए है, उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए है, उनकी आय को दोगुना करने के लिए है। लेकिन आज जिस प्रकार से इस किसान आंदोलन को जो राजनीतिक रूप दिया गया है, उसके आधार पर आज ये किसान आंदोलन हाईजैक हो चुका है। आज आप देखते हो कि जिस प्रकार से हमारे इन भोले भाले किसानों को उकसाया गया, किस प्रकार से हमारे युवा साथियों को उकसाया गया, कि किस प्रकार से आज लाल किले पर जाकर के तिरंगे का अपमान हुआ, लाल किले की गरिमा और गौरव को कम करने का काम किया। क्या किसान ऐसा कर सकता है? किसान ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। किसान अपने हाथ में तलवार नहीं ले सकता, किसान किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकता। लेकिन आज ये सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत विपक्षी पार्टियों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। और पद प्रवीण प्रजापति, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा कहते हैं। आज आपकी मीटिंग का, जिला इकाई का मीटिंग का आयोजन है, क्या मीटिंग के मुख्य उद्देश्य, किस तरह की लेने जा रहे हैं? मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि पिछले दिनों नए दायित्व जो मिले हैं, मुझे भी नया दायित्व जिले का मिला है, तो उस संदर्भ में संगठन का पुराने और नए कार्यकर्ताओं से एक बार मिलन और संगठन के बारे में चर्चा करना मुख्य उद्देश्य आज की मीटिंग। किस तरह के नए जो आपकी सोच है, अभी किस तरह संगठनों को बढ़ाया जाए, क्या कुछ सोच रखा आपने? जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और प्रधानमंत्री जी की जो आम जन के लिए जो योजनाएं हैं, ओबीसी मोर्चा के लिए जो ओबीसी के लोगों के लिए जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने लागू की हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना संगठन के माध्यम से, और सरकार के प्रति, संगठन के प्रति, भाजपा के प्रति लोगों का रुझान एकतरफा करना, उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और उनको लागू करवाना, ये प्रयास रहेगा। और कोई आज बड़ा खास होने वाला? नए गठन पर विचार किया जाएगा नई टीम के बनाने में, और पुराने साथियों को भी जो किसी प्रकार से नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी हम साथ लेकर के आगे संगठन को विस्तार रूप दे करके, पूरा बड़ा रूप दे करके हम साथ लेकर से चलेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं किसानों से एक कॉल पे दूर हूँ, तो कोई ऐसा प्रावधान है कि आप किसानों को समझा सकेंगे इन कानूनों के बारे में, ये ठीक है? नहीं, सरकार और संगठन पूरी तरह से किसानों के साथ है, और मैं भी एक छोटा किसान हूँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी अव्यवस्था हुई हो आज तक। आज तक के टाइम में मुझे MSP मिला है, मैं अपनी बात करूं, अगर मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करूं, मुझे MSP मिला है, और मेरी फसल, मेरा ब्यौरा पे मेरा रजिस्ट्रेशन है, मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। और सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है समझाने का, लोग समझने के लिए तैयार हों, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार देश के अन्नदाता के लिए, देश के अन्न उत्पादक के लिए कोई बुरा कानून लेकर के आएगी, इसको समझने की आवश्यकता है। मैं अपने ये मोढ़िया से गोडियां तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा है सी, मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैं फिर रिलीफ मिले है, 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके, मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने, ये 125 बीमारियाँ तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो बस।
कुछ दिनों तो मैं बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैं मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यद कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जो थानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भूलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगान नाल मैं मार्केट चुन बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ, और ये मैं बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो वह भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।